यहाँ यहाँ बैठी हुई है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, विच हैज टू बी क्लीन्ड। देखें, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ख्वाजा साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें, आपके सीनियर्स ने बात की, आप तशरीफ रखें जी। ख्वाजा साहब एने चाहिए है, बात बात सुने। स्पीकर, ये बुलडोज का लफ्ज जो है, जब कहा जा रहा था तो मुझे याद आया कि यहाँ पे चंद मिनट के अंदर 54 जो है लेजिस्लेशन हो गई थी। मेरा ख्याल है सारे एक मिनट में, एक मिनट में जो है ना 54 लेजिस्लेशनें हुई थी, और इस असेंबली के रिकॉर्ड पे ये सारी चीज मौजूद है। मीडिया उस वक्त लाइव जो है दिखा रहा था कि यहाँ पे उस वक्त के डेप्टी सेक्रेटरी साहब जो बैठ के डेप्टी स्पीकर साहब जो है वो लेजिस्लेशन करवा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात करते हुए जो है, जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए जो है। तो ये मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता था कि अगर मेरे हाथ साफ हैं तो मैं ज़रूर किसी पे उंगली उठाऊं, अगर मेरे हाथ साफ नहीं हैं तो फिर मुझे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता कि ये जो कुछ है इसके मेरिट और डीमेरिट में मैं नहीं जाना चाहता। लॉ मिनिस्टर साहब उस पर बोलेंगे, मैं इस बात का जरूर हामी हूं कि लेजिस्लेशन की एक सेंक्टिटी जो है जरूर होनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका जमीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने, और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की उसी सांस में, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी, बिल्कुल। उसी सांस में डिसोल्यूशन भी की असेंबली की जो बाद में रिवर्स हुई। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहां पे नेक, देखें अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। नहीं, मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ। नो क्रॉस टॉक। मैं खाई साहब, आप देखें, मैंने कोई बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी, कहेंगे जी हम ख्वातीन हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, चलें। नो क्रॉस टॉक प्लीज, सेनेटर साहब तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक। नहीं, अल्लाह का फजल है, मेरे भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, विच हैज टू बी क्लीन्ड। देखें, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ख्वाजा साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें, आपके सीनियर्स ने बात की, आप तशरीफ रखें जी। ख्वाजा साहब एने चाहिए, बात सुने।
आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं, ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। भाई साहब, जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी? थैंक यू। एक बंदा शुक्रिया, नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब थैंक यू, प्लीज आप तशरीफ रखें। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहूंगा आप खामोशी से तशरीफ रखें। फाजल मेहबरान आप तशरीफ रखें, आप ख्वाजा साहब तशरीफ रखें आप प्लीज। मैं जरा लॉ मिनिस्टर को सुनना चाहता हूँ इस मसले में। आप तशरीफ रखें, ये कानूनी बात है, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी लॉ मिनिस्टर साहब। स्पीकर, मेरी अगर मेरी बहनें इजाजत दें, देखें मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, आपने दो बातों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपको माइक, मेरी अगर आप बात सुन ले, आप ही की बात करने लगा हूं। एक तो जनाब स्पीकर, दो चीजें मेरी तजवीज होगी, दो जगहों पे कुछ जज्बात आड़े आ गए जो एक्सपंज करना है। सेनेटर अली जफर साहब ने क्योंकि बड़ी चाशनी के साथ कह दिया कि ये जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी? थैंक यू। एक बंदा शुक्रिया, नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब थैंक यू प्लीज, आप तशरीफ रखें। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहूंगा आप खामोशी से तशरीफ रखें। फाजल मेहबरान आप तशरीफ रखें, आप ख्वाजा साहब तशरीफ रखें आप प्लीज। मैं जरा लॉ मिनिस्टर को सुनना चाहता हूँ इस मसले में। आप तशरीफ रखें, ये कानूनी बात है, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी लॉ मिनिस्टर साहब। स्पीकर, मेरी अगर मेरी बहनें इजाजत दें, देखें मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, आपने दो बातों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपको माइक, मेरी अगर आप बात सुन ले, आप ही की बात करने लगा हूं। एक तो जनाब स्पीकर, दो चीजें मेरी तजवीज होगी, दो जगहों पे कुछ जज्बात आड़े आ गए जो एक्सपंज करना है। सेनेटर अली जफर साहब ने क्योंकि बड़ी चाशनी के साथ कह दिया कि ये भेड़ देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। नहीं, मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूं। नो क्रॉस टॉक। मैं साहब, आप देखें, मैंने कोई बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी, कहेंगे जी हम ख्वातीन हैं, ये कैसी बातें करते हैं। तो ठीक है, चलें। नो क्रॉस टॉक प्लीज, सेनेटर साहब तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक। नहीं, अल्लाह का फजल है, मेरे भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था, ये बाकियात है, खंडरात है उनके जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं, गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, विच हैज टू बी क्लीन्ड। देखें, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ख्वाजा साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।